हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीवेल मॉडिफायर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और धैर्य बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अब हम इसमें बीवेल मॉडिफायर लगाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लेता हूँ और मॉडिफायर बटन पे जाता हूँ और ऐड मॉडिफायर बीवेल। यहाँ पर हमने बीवेल ऐड कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे विड्थ, सेगमेंट, प्रोफाइल, मटेरियल और लिमिट मेथड है और विड्थ मेथड है। तो यहाँ पर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बीवेल में होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट ये जो एज होता है इसको ये स्प्लिट कर देता है, टू पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो अभी तक ये सिंगल एज था, जब इसमें हमने मॉडिफायर लगाया तो ये भी ये डबल एज हो गया। यही हमारा सेगमेंट का काम होता है। मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूं। जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो आप देख रहे हो कि इसमें ये जो फेस है इसमें डबल फेस आ जाते हैं या इसके एज बढ़ जाते हैं। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो आप देख लो इसको, ये और भी ये इसमें बीवेल अप्लाई हो जाता है, देखिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वायर फ्रेम में चला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मैं इसको सेगमेंट बढ़ा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो सेगमेंट क्या होता है ये। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसमें सेगमेंट बढ़ाया तो ये बढ़ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट का मतलब। अब जो विड्थ है, जो इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई होती है, आप जानते ही हो, तो ये इसकी चौड़ाई ये और भी बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब मैं इसको कम करूँगा तो आप देखोगे इसमें चेंजेस, ये वापस से पुराने शेप में आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आप देख रहे हो इसकी चौड़ाई विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे नन लगा हुआ है लिमिट मेथड में। यहाँ पे मैं विड्थ पे जाता हूँ तो आप देखो इसमें कुछ चेंजेस आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, जब मैं डेप्थ पे जाता हूँ तो ये डेप्थ वाइज इसमें बेवल करता है। मैं इसको सॉलिड, मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड और यहाँ से वायर फ्रेम ही रहने देता हूँ। आप देखो जो विड्थ, ये विड्थ के अनुसार ये हमारा बेवल करता है। ठीक है, और जब मैं डेप्थ लगाता हूँ तो ये डेप्थ के अनुसार, यानी जो इसकी गहराई है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, ये उसके अनुसार ये बेवल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए विड्थ का मतलब समझ गए आप। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ओनली वर्टेक्स करता हूँ तो ये केवल वर्टेक्स को ही बेवल करेगा, जितने भी ये वर्टेक्स हैं उन्हीं को ये बेवल करेगा। तो मैं अभी यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और इसको एंगल मोड पर लेकर आता हूँ। जब हम यहाँ पे इसको एंगल मोड पे लेकर आते हैं तो आप इसमें होने वाले चेंजेस को आप देख सकते हो। आप और मैं इसको सॉलिड मोड में करता हूँ, अब आप इसके एजेस को आप यहाँ पे देखिए, अभी ये एंगल में है ये। ठीक है, ऑफसेट इसकी दूरी। अभी ये विड्थ करता हूँ तो आप इसके देखिए, और डेप्थ करता हूँ फिर आप इसको देखिए। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, देखिए अब जो एंगल है ये यहाँ पे 30 डिग्री है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, 0 से 30 डिग्री पे ये इस तरह से दिखेगा ये। मैं इसको जब मैं एंगल में हटा देता हूँ, नन कर देता हूँ और ऑफसेट वैल्यू आती है तो आप इसमें होने वाले बदलाव को आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए मैंने अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, अभी ये नन है, ऑफसेट पर लगा हुआ है। ठीक है, मैं विड्थ पे जाता हूँ, अब आप इसको देखिए विड्थ के अनुसार ये बीवेल कर रहा है ये। ठीक है, डेप्थ कर रहा हूँ तो ये डेप्थ के अनुसार बीवेल कर रहा है। उसी तरह से जब मैं लिमिट मेथड में नन को हटा करके मैं एंगल को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसमें एंगल वाइज बीवेल करता है। ठीक है, देखिए एंगल, अभी केवल एंगल वाइज इसको ये बीवेल कर रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो मैं इसको अभी नन ही रखता हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी नन रखता हूँ। सेगमेंट आपको समझ में आ ही गया, विड्थ
और डेप्थ आपके समझ में आ गया, विड्थ यानी जो इसकी चौड़ाई होती है ये, ठीक है, और डेप्थ यानी जो इसकी गहराई होती है, उसी के अनुसार ये बेवल करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोफाइल का यहाँ पे क्या मतलब है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब मैं इसकी प्रोफाइल को बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब देखिए इसकी जब मैं प्रोफाइल को बढ़ाता हूँ तो इसमें होने वाले चेंजेस आप देख सकते हो, ठीक है। जब मैं इसको कम करता हूँ तो देखिए अंदर की तरफ इसको ये खींच लेता है ये। अब इसकी जो एज हैं, एज में होने वाले परिवर्तन को आप देख सकते हो। प्रोफाइल को मैं बढ़ा रहा हूँ, अब आप देखिए, ठीक है, और जब मैं अंदर इसको ये इसकी वैल्यू घटाता हूँ तो ये अंदर की तरफ से ये खींचता है, ये वेवल करता है, ठीक है, इनसाइड की तरफ, और जब प्रोफाइल बढ़ाता हूँ तो ये आउटसाइड की तरफ ये वेवल करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल क्यूब को लेकर आता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ वर्टेक्स ग्रुप अच्छे से समझ में आए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले एडिट मोड में जाता हूँ और इसमें से एक वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, वर्टेक्स एज को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ई और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा एज बेवल वेट, तो हमने इस पर टैप कर दिया, हमने इसका बेवल रेट बढ़ा दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लेता हूँ सेंटर में ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अब मैं इस पर मॉडिफायर मैं ऑन करता हूँ, ये बेवल मॉडिफायर हमने लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ वेट सेक्शन में जाता हूँ मैं और इसकी विड्थ को मैं बढ़ाता हूँ। अब आप देखिए इसकी विड्थ आपको अच्छे से समझ में आ रही है, दिख रही है विड्थ आपको बढ़ते हुए, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी जो बढ़ रही है आप इसको देख रहे हो। अभी एकदम सिंपल सा एकदम दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें सेगमेंट बढ़ाने वाला हूँ, तो अब आप देखो जो मैं सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इतना ही रखता हूँ। मैं यहाँ से मैं इसको वायर फ्रेम में कर देता हूँ ताकि ये दिखे, ठीक है, ये देखिए ये सेगमेंट हमने बढ़ा दिया, मैं कम कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ये अच्छे से आपको दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब जो ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल को जब मैं कम करता हूँ तो आप देखिए ये अंदर की तरफ इनसाइड की तरफ ये मूव कर रहा है, और जब मैं इसकी प्रोफाइल को बढ़ा रहा हूँ तो ये आउटसाइड की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस समय हमारे पास जो एक एज है ये हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है, बेवल के लिए सिलेक्टेड है। तो अब यहाँ जो वर्टेक्स ग्रुप है, ये तो वेट का सेक्शन हो गया, जैसे ये वर्टेक्स ग्रुप है तो अगर मैं इस वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ या यहाँ इधर किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो केवल ये जब उस पर हम मॉडिफायर लगाएंगे तो ये केवल उसी वर्टेक्स को, अगर मैं वर्टेक्स ग्रुप को ऑन करता हूँ तो केवल उसी वर्टेक्स को ये बेवल करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोई मैं एक वर्टेक्स लगाता हूँ या कुछ मैं चूज़ कर, तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा और मैं यहाँ पे मैं इस फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसी को मैं यहाँ पे एक ग्रुप असाइन कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको असाइन कर दिया। अब ये हमारा एक वर्टेक्स का ग्रुप ये फेस है, हमने इसको चूज़ कर लिया। अब हम मॉडिफायर पे जाते हैं और यहाँ ग्रुप सेक्शन में, वर्टेक्स ग्रुप में, ग्रुप सेक्शन में हम इसको चूज़ कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा बेवल है वो कहीं और अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी पर, इसी फेस पर ये अप्लाई हो रहा है। मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखिए, आप देख सकते हैं कि केवल ये इसी फेस पर अप्लाई हुआ है, बाकी सारे जितने एजेस हैं वो शार्प हैं, केवल ये एज केवल बेवल हुआ है।
ठीक है, इसको आप जानते ही हो, मैं इसको बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्टेक्स ग्रुप को ऑन किया था, ठीक है। वेट को हम ऑन करते हैं, तो यहाँ हमने जो वेट असाइन किया था, ठीक है, उस वेट के अनुसार ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वेट के अनुसार ये काम करता है, ठीक है। हमने यहाँ पे वेट को चूज़ किया है, तो ये वेट के अनुसार कार्य कर रहा है। जब हम इसको बेवल कर रहे हैं, ये वर्टेक्स ग्रुप को ले रहे हैं, तो ये हमारा वर्टेक्स ग्रुप के अनुसार ही हमारा बेवल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। और जब हम वेट पे क्लिक करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेट लगाया हुआ है इस एज पे, तो इसलिए ये इस एज के अनुसार ये इस एज पर बेवल वर्क कर रहा है, ठीक है। एंगल हमने आपको बता ही दिया है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल के अनुसार ये वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मटेरियल का क्या वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल का क्या वर्क होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस से हम चलते हैं अपने इसको पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड में लेकर आता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको लेकर आता हूँ। मैं इसलिए इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर आपको अच्छे से दिखेगा, दिखेगा दोनों पे ही, लेकिन जिस पर बेहतर आपको मैं समझा पाऊँ, मैं इसलिए इसको मैंने चूज़ कर लिया है। अभी मैं इस पर भी लगा के आपको बता दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मटेरियल बटन पर जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ मैं इसका साइकिल्स रेंडर मैं ऑन कर देता हूँ, यूज नोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारा ब्लू कलर है। मैं एक कलर और यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ रेड, ठीक है। हम यहाँ पे कलर और चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमारे पास तीन मटेरियल है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ अलग अलग फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे एक अलग अलग मटेरियल हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम वापस से विवल पे जाते हैं, ठीक है, और इसको मैं रेंडर्ड व्यू में ले आता हूँ, ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो अब मैं इसका मटेरियल चेंज करता हूँ। अब आप देख रहे हो कि जब हमने यहाँ पे मटेरियल वन लगाया, तो यहाँ पे जो हमारा ये एक कलर था, रेड कलर था, ठीक है, वो हमारे इस जो जितना हमने बिवेल किया है, जो हमारा एज बिवेल हुआ है, उसी पे ये कलर अप्लाई हो गया है। हमने फिर मटेरियल टू पे मैं टैप करता हूँ, तो मैंने ग्रीन कलर लिया था। मटेरियल थ्री पे टैप करता हूँ, तो वो तो हमारा ब्लू कलर था, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। तो हमने दो डिफरेंट कलर लिए थे, एक हमने रेड लिया था और एक ग्रीन। तो जिस इस तरह से हम इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से इसको फिर मैं सॉलिड मोड में आता हूँ, और यहाँ एडिट मोड में हम आ गए हैं, ठीक है, हम यहाँ एडिट मोड में आए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, और यहां पे मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल आर, ये ठीक है। तो हमने यहां पे एक लूप डाल दिया, यहां पे हमने एक एस डाल दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको वायर फ्रेम में जाता हूं, और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, ठीक है, तो लूप स्लाइड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा हमने विड्थ इसकी कम रखी है, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप इसका जो ये बेवल है, ये आप देख सकते हो, ये स्लाइड होगा, ठीक है, देखिए ये इस पे अप्लाइड है, विड्थ के अनुसार ये अप्लाई है। ये वैसे नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो ये आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है,
चलिए हम इस पर अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, शायद इस पर आप इसको बेहतर देख पाओ। तो मैं यहाँ पर मैं इसको एडिट मोड में इसको लेकर जाता हूँ और इसमें मैं एक कंट्रोल आर, फिर से कर लेता हूँ कंट्रोल आर, ये यहाँ पर हमको एक लूप मिल गया है। तो अब आप देख सकते हो कि जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये उसी अनुसार ये वर्क करता है, ठीक है। आप इसको वायर फ्रेम में देखो तो आपको ये और भी बेहतर ये दिखाई देगा कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए तो हमारे ख्याल से आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं या बना सकते हैं या जो भी आप इसका बीवल का आप किस तरह से इस्तेमाल, आप जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उस तरह से इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बीवल सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।